एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 जून के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं को, वो आपका हिस्ट्री का अर्थात कि इतिहास के पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इतिहास का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि आपको इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरे का ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या होंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि सेक्शन बी में लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और उसके साथ साथ इस उत्तर को आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, सभी चीज को ध्यान से सर्च करेंगे। अगर आप इस क्लास पर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कल है आपका 28 जून के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो हिस्ट्री का पेपर होंगे, तो पूरे पेपर आपको मैच करेंगे। साथ ही साथ सभी प्रश्न का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करा दिया हूं। अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करना सीधे सीधे आपको सिखा देने जा रहा हूं, तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो आइए यहां पर क्लास 12th वाले छात्र छात्राओं के आज का अर्थात कि कल जो दिन जो पेपर होने जा रहा है वह हिस्ट्री का पेपर होंगे। तो हिस्ट्री का मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देख लिया था, चलिए अभी इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे सेक्शन बी अर्थात कि लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न। आपको यहां पर पीडीएफ क्लियर नहीं दिखाता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक छात्र के द्वारा देखिए अभी सेंड किया गया, यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए पीडीएफ थोड़ा ऐसा हो चुका है, कोई घबरा की बात नहीं, लेकिन आपको मैं इसका उत्तर बताऊंगा। पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे तो आप बिल्कुल उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। चलिए सबसे पहला यहां पर समझ लेते हैं, लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 का ही आपको उत्तर देना है। तो मैं 5 का उत्तर दे दिया हूं, साथ ही साथ इस सभी 5 प्रश्न का आपको उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे सभी चीज को आपको यहां पर सिखा दूंगा। और आगे जो आप यहां पर दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न देख रहे, इसका भी मैं उसका लॉन्ग आंसर टाइप का भी उत्तर लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हर एक मंथ आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसी प्रकार आपका मंथली एग्जाम होगा, अर्थात कि जैसे आपका जून में हुआ उसी प्रकार से जुलाई में होंगे, तो हर एक मंथ आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 15वीं शताब्दी में इटली के क्यों पुनः स्थापन के 2 कारणों को वर्णन करें। दूसरा मेरा प्रश्न था कि पुनः जागरण कालीन के 2 प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कृतियों को आलेख करें। फिर तीसरा मेरा प्रश्न था कि पुनः जागरण के कालीनों के लिए महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम लिखे। फिर चौथा था मार्टिन लूथर के कैथोलिक चर्च के विरोध क्यों किया। फिर 5वां प्रश्न था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 5वां प्रश्न था मंतावाद के का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार से आपके देखिए सभी एक प्रश्न है। फिर यहाँ से आपका आपको 11 से लेकर 15 तक में जो आपका प्रश्न है ये आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। इस सभी का उत्तर मैं लिख कर लाया हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आप क्लियर सीख लीजिएगा इसका पीडीएफ डाउनलोड करना। और साथ ही साथ इस पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको यहाँ पर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो जस्ट आपको जैसे ही आप करेंगे तैसे आपके मोबाइल पर इसका पीडीएफ चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर आपको जो पेपर देता हूं वो पेपर आपको मैच कर जाता है। पहला प्रश्न था कि आपका पुनः जागरण के लिए पुनः स्थापना, यहां पर पीडीएफ कट गया है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं सभी का उत्तर लिख कर लाया हूं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यहां पर देखिए, एक नंबर प्रश्न का उत्तर। फिर उसी प्रकार से आपका यहां पर 2 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। द विश ऑफ द माइकल जैक्सन राफेल इटली के श्रेष्ठ चित्रकार हुए थे, और डायरुएशन एवं हालवेन महान उत्तरकालीन हुए और मूर्तिकाली यूनान के रोम के लिए अनुसार कर रही थी, जो लरेजो के वृद्धि के लिए चित्रशिल्प और पुनजागरण कालीन का स्लेप का प्रथम महान अग्रदूत था। इसी प्रकार से 3 नंबर प्रश्न का भी उत्तर है यहाँ पर देखिए। फिर 4 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद आपका 5 नंबर प्रश्न का भी आपके लिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। सभी प्रश्न का आप उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है, लघु उत्तरीय टाइप का मैं 5 का 5 का उत्तर दे चुका हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 का 5 का उत्तर दे दिया हूँ। फिर आगे आइए यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का, यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर जिसे आप बोलते हैं लंबा प्रश्न रहता है, उसका उत्तर यहाँ पर देखिए पहले साथ ही मैं लिख दिया, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में लिख दिया, क्योंकि आप यहाँ से पढ़कर भी जाएंगे ना तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे, तो यहाँ से पढ़कर भी जाएंगे तो आप अच्छे से लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसीलिए थोड़ा लंबा तो नहीं है लेकिन शॉर्ट आंसर है, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा लॉन्ग आंसर टाइप का है, लेकिन लघु उत्तरीय टाइप में इसका उत्तर लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी प्रश्न का उत्तर आप क्लियर से लिख सकते हैं। तो कल 28 जून को जिन आपका पेपर होंगे तो हिस्ट्री का, तो ये सभी प्रश्न आपको देखकर ज्यादा नहीं ताकि सभी प्रश्न आपको मैच कर जाएंगे। अब चलिए आप सभी प्रश्न का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे इसे हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। तो प्यारे साथियों इसे समझने के लिए आपको क्या कर लेना है, इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो कि आपके साथ कल एग्जाम देने जाएंगे। आइए समझते हैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या कर लेना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक कर ज्वाइन करेंगे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देता हूं, नहीं तो एक नंबर आपको नोट कर लेना
इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो आप क्लियर समझ चुके आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगे, तो इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ इसे पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपका या आपका क्लास 12th का आपका हिस्ट्री का मंथली एग्जाम का यहाँ पर क्लियर मैं आपको समझा दिया सभी चीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।